नमस्कार, मैं राजीव श्रीयानी सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम जेट आई आई टी आई द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 5 बराबर बांटो पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का स्टूडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपनी कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को जेट आई 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 की कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार: प्रस्तुत पाठ बराबर बांटो भाग के भाजक भागफल तथा शेष फल से परिचय पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता: इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि छात्र अपने मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण करते हैं और जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को जानते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न विषय वस्तु जैसे भाग के भाज भाजक भागफल तथा शेष फल से परिचय, भाग के बाद प्रश्न, संख्या रेखा की मदद से भाग को हल करना आदि की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है और इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश: सबसे पहले इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में 7 समूह में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि निर्धारित विषय वस्तु से विभिन्न प्रश्नों को संकलित कर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं। समूह आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली कर जानकारी का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों को संकलित कर कक्षा का एक प्रश्न बैंक बना लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। आइए इन प्रश्नों के उदाहरण देखते हैं। प्रश्न 1: भाग करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? भागफल। जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो भागफल क्या प्राप्त होगा? 1। 100 पेंसिलों को 4 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिलें मिलेंगी? 25। 95 को 4 से भाग करने पर भागफल तथा शेषफल क्या प्राप्त होगा? भागफल 23, शेषफल 3। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से भाग के भाज भाजक भागफल तथा शेषफल से परिचय, भाग के वार्तिक प्रश्न आदि के कॉन्सेप्ट और प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और इस प्रकार पाठ का पुनः अध्ययन करवाते हैं। आइए इस नवाचार से प्राप्त होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय छात्र जो संवाद करते हैं, पाठ से महत्वपूर्ण जानकारियों को चुनते हैं और उसके कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनाते हैं। उससे पाठ आसानी से दोहराव तथा स्मरण होता है। छात्र 3 अंकों की संख्या यानी 999 तक की संख्याओं को पढ़ना, लिखना, संख्याओं की तुलना करना तथा स्थानीय मान को समझते हुए जोड़ घटाव तथा गुणा की संक्रियाओं को हल करना और विभिन्न गुणन तथ्यों तथा भाग के तथ्यों को बराबर समूह में बांटने पर और बराबर बार बार घटाने की प्रक्रिया के रूप में समझते हैं। छात्र अपने परिवेश से विभिन्न घटनाओं की जानकारी को संकलित करते हैं, उनका आकलन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु से जुड़े शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ सीखते हैं, वाक्य बोलना और वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में भी वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में दृढ़ता, शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, समस्या समाधान एवं गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी
और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षा के अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक बराबर बांटो पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार सितंबर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पार्सल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।